गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आपको पता है कल मैंने वीडियो डाले थे, जो मैं ट्रेन में था तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे केकेटीयू के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स कब से होंगे। आखिर छात्र कन्फ्यूजिंग है कि आखिर सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शेड्यूल क्यों नहीं शो हो रहा, एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट थी वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, फॉर्म भरने की फीस पेमेंट की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और रिजल्ट एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो छात्रों कमेंट होगी रिप्लाई देंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नोटिस बता देता हूँ एक मिनट के अंदर अंदर, फिर आपको एक दो मिनट के अंदर फिर आपको आगे चलता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या मेंशन था, इसमें मेंशन था कि फाइनल शेड्यूल एकेडमी ने जारी कर दिया है, उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शायद 2022-23 के सम सेमेस्टर के स्नातक पर स्नातक, यानी कि यूजी और पीजी दोनों को जो एग्ज़ाम्स हैं दोनों के फाइनल शेड्यूल इन्होंने जो है जारी कर दिया। कहने का मीन्स है अब ये शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा और आगे मेंशन है कि रेगुलर कैरी ओवर दोनों छात्रों की, दोनों विषयों की प्रथम चरण की परीक्षाएँ संभावित पहले जारी किया गया था, लेकिन अब जो है डिसीजन लेने के बाद 5 जून से इसको क्या कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया। आगे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि आगे उपरोक्त सब 2022-23 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण की परीक्षाओं के संदर्भ में छात्राओं संस्थानों द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से किए गए अनुरोध पर सक्षम स्तर पर फाइनल शेड्यूल जारी किया। अब इसमें आगे मेंशन है कि साथ ही बी फार्मा पाठ्यक्रम के, अब यहाँ पर देखो क्या मेंशन है, बी फार्मा पाठ्यक्रम के पंचम एवं सिक्स सेमेस्टर, जी हाँ, कई सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि हमारा सिक्स सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, पाँचवा कब होगा, तो अभी मैं आपको शेड्यूल पर दिखाऊंगा कि सिक्स का कब होगा, लेकिन पहले से सुन लीजिए। बी फार्मा पाठ्यक्रम के पंचम एवं सप्तम मतलब सात हो गया, यानी कि पाँचवें और सातवें सेमेस्टर के कैरियर की परीक्षा, जी हाँ, फिफ्थ और एक बार फिर से नोट कर लो, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के जो COP एग्ज़ाम है बी फार्मा के, उनका जो है छात्रों के द्वितीय चरण के फेज में होगा, जी हाँ, यानी जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ में होगा, और सिक्स सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हो वो अभी होगा। मैं आपको सिक्स का शेड्यूल दिखा दूँ फिर आगे आपको बताता हूँ, नहीं मिल रहा था मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल। आप लोगों को पता नहीं कैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पूरा शेड्यूल देखते नहीं है, क्या लिखा बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल रेगुलर प्लस COP, आपका रेगुलर चाहे COP हो 12 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है, 12 जून से स्टार्ट होगा। आप लोग कन्फ्यूजिंग नहीं होना कुछ भी, कब से स्टार्ट होगा, 12 जून से स्टार्ट होगा। पहला पेपर इसमें मैं बताता हूँ BP 60T, जो कि आपका फार्माकोलॉजी थर्ड का पेपर है, तो आप लोग इसको देख रहे हैं ना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब आगे आते हैं जो डाउट थे छात्रों के, पहले डाउट की बात करते हैं, फिर एडमिट कार्ड। देखो निशा जी पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, AKTU ERP फाइनल शेड्यूल आ गया। AKTU का एडमिट कार्ड 2 दिन पहले एग्जाम से आता है, तो मान लीजिए 2 या 3 जून को एडमिट कार्ड आपका आएगा। जैद कह रहे हैं, जैद सिद्दीकी, थैंक्स फॉर योर रिफर सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी, आप लोगों के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं चाहता तो वीडियो कल के बजाय आज भी डाल सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आगे उत्सव सिंह कह रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम्स आपने पहली चीज़ गलत सवाल पूछा, आपको पूछना चाहिए आपका ब्रांच वाइज, तो अगर आपका बीटेक बी फार्मा है तो 25 जून के बाद होगा, 20 जून के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। जितेंद्र पाठक कह रहे हैं सर मेरा पेमेंट नहीं हो पाया था, 13 को एग्ज़ाम भी है बायो स्टैटिक का, कैरियर का प्लीज सर डेट एक्सटेंड करवाइए, बिल्कुल परेशान ना होइए, चांसेस यही है कि डेट अभी आप लोगों को एक्सटेंड होगा, फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, परेशान नहीं, जैसे कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नंदन कह रहे हैं कि COP का रिजल्ट कब आएगा, 9 मंथ हो गए भाई नंदन जी, मैंने कहा था 4-5 दिन में, क्योंकि AKTU से अपडेट थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, बोल दिया कि एजेंसी का जो काम था वो जो है एजेंसी जो थी अब वो काम करना छोड़ दी है, कोई अभी नया एजेंसी का टेंडर नहीं हो पाया, तो मान चलिए भी 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, लेकिन हो सकता है COP का पहले जारी कर देगा, कोई अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब अभिमन्यु कह रहे हैं सर बीटेक फोर्थ सेमेस्टर कैरियर का फॉर्म फिर से आएगा, बिल्कुल देखिए फोर्थ सेमेस्टर का तो ओपन होना चाहिए, अभी नहीं ओपन है तो ओपन हो जाएगा, 30 मई तक लास्ट डेट थी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की उनकी डेट अभी क्लोज हुई है। अगर आपको कोई इशू आ रहा तो आप जो है मेल आई डी पर मेल करो पवन वाली, और AKTU कॉल सेंटर पर भी मेल कर दो, और बाकी वेट करो कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और फॉर्म ज़रूर ओपन होगा। आफ्ताब कह रहे हैं सर प्लीज़ रिप्लाई कर देना, 8 जून से एग्ज़ाम फाइनल हो गया है, मेरा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया है। देखिए मैं कोशिश करूँगा, मैंने ट्वीट ऑलरेडी किया है, आप लोग जाकर उसको ट्विटर पर रिट्वीट करो, ठीक है, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी कोई अपडेट आती तो फॉर्म देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 99% चांस है कि फॉर्म की डेट से पड़ेगी। MD सिद्दीकी कह रहे हैं सेकंड फेज का कब से, सेकंड फेज का अभी डेट नहीं है, लेकिन मान चलिए कि 20 या 25 जून या उसके बाद ही होगा, यानी कि आपका जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होने के चांस है। दीपक कह रहे हैं यार कोई बताएगा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, देखिए भाई रिजल्ट अभी भूल जाइए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड थर्ड जो भी है
10 से 15 15 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 10 दिन के पहले नहीं आएगा, 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी अपडेट थी कि आप लोगों का रिजल्ट को लेकर सवाल था, आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर सवाल था कि सर बढ़ेगा कि नहीं। और बीफार्मा का 5th और 7th सेमेस्टर के साथ जो COP एग्जाम हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ होगा। 6th सेमेस्टर का शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया जो कि 12 जून से होगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड होने के बिल्कुल चांसेस हैं। रिजल्ट अभी 15 दिन के पहले नहीं आएगा। एडमिट कार्ड 2 या 3 जून को आएगा। ये सारी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। कोई डाउट कमेंट पूछ सकते हैं और इंस्टा ट्विटर टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी अपडेट आती रहती है।